अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 5.1। इन प्रीवियस लेक्चर वी सॉल्व थ्री टाइप ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। नाउ वी विल सॉल्व टू मोर टाइप्स ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में तीन टाइप्स की इक्वेशन पढ़ी थी कि आपके पास अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है तो आप उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। आज हम दो और मजीद टाइप्स पढ़ेंगे कि हम उसको इस तरह की अगर टाइप की क्वेश्चन होगी तो हम उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। आपके पास फोर टाइप ऑफ इक्वेशन है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं और दोनों का स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला भी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास खुलेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। और इस तरह की टाइप के इक्वेशन या किसी भी टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टूडेंट्स के सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं या तीन वैल्यूज हैं या चार वैल्यूज हैं तो उनमें से पहले देखते हैं कि चारों में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ये तीन वैल्यूज हैं तो तीनों में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और अगर दो वैल्यूज हैं उसमें से भी सबसे पहले आपने देखना होता है कि कोई चीज आपके पास कॉमन तो नहीं आ रही। फिर आपने देखना है कि आपके पास अगर थ्री टाइप्स की हैं, वो थ्री वैल्यूज हैं, तो अगर तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है और उसके बाद आपके पास सिंप्लीफाइड हो रही है, इसका मतलब फैक्टराइज हो गया। अगर आपके पास फोर टाइप की इक्वेशन है, फोर टर्म्स की इक्वेशन है, तो आपने पहले देखना है कि फोर जो चारों टर्म्स हैं उनमें से अगर कोई कॉमन आ रहा है तो वो ले लें, वरना आप उसके पेयर्स बना के कॉमन ले लें। अगर थ्री टाइप के थ्री टर्म्स की इक्वेशन है और आपके उसके पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो आप इस पे फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर में बंद कर देंगे या ए माइनस बी होल स्क्वायर में बंद कर देंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है, फैक्टराइज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 75 वाई स्क्वायर। सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों वैल्यूज में से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, तो इन दोनों में से थ्री कॉमन आ रहा है। थ्री आपको पता है, थ्री और छोटे होते हैं, आप लोगों ने बचपन में चेक किया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं, अगर आपके पास दो वैल्यूज का सम या तीन वैल्यूज का सम थ्री का मल्टीपल होता है तो इसका मतलब वो थ्री पे डिवाइड हो रहा होता है। जैसे सेवन में फाइव ऐड करें तो ट्वेल्व बनता है और ट्वेल्व जो है वो थ्री से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये 75 थ्री के टेबल पर जाता है। तो यहां से पहले हम सबसे पहले थ्री कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू जा सिक्स थ्री फाइव जा फिफ्टीन। अब अगर आप गौर से देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कैसे, ए का स्क्वायर और 25 भी स्क्वायर होता है 5y का होल स्क्वायर। अगर आप यहां कॉमन ना लेते तो आप देखें 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता और 75 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आपका आंसर इधर ही गलत हो जाना था क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने कॉमन लिया, अब देखें आपके पास पता है आपको 1 स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है ये किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपने अपनी क्वेश्चन को एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में लिखना है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस फाइव वाई और एक्स माइनस फाइव वाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। अब आप देखें हमारे पास जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में किया था, अगर ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम होती तो हम एक्स माइनस वाई को इकट्ठा कर लेते और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को एक दफा लिख लेते, लेकिन यहां देखें ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज चेंज है, इसका मतलब पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसी तरह वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, यहां प्लस था यह माइनस हो जाएगा और यहां माइनस था यहां प्लस हो जाएगा। अब आप देखें अगर आपने इसको क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह देखें तो हमारे पास इन दोनों पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई कॉमन की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर थ्री के लास्ट पार्ट में किया था। अगर आप रीअरेंज भी करें तो इन दोनों में सिर्फ यही कॉमन है और यही कॉमन है, और कॉमन लेके दोबारा यही चीज बन जाएगी, तो इसका मतलब ये उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम स्क्वेयर की वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाए। हम स्क्वेयर की वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं
और जो स्क्वायर के बगैर है माइनस एक्स प्लस वाई, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये आपके पास बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स प्लस वाई। अब अगर आप देखें अभी भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। अगर आप यहां देखें तो अगर हम माइनस वन कॉमन लें तो यहां अंदर एक्स, क्योंकि यहां दोनों जो वैल्यूज हैं उनके साथ एक्स पॉजिटिव है। अगर आप ये देखें, अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, अगर आपने कॉमन लेना है इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो उसके लिए जरूरी है आपके पास एक्स पॉजिटिव हो। यहां एक्स क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में एक्स क्या है, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव, वो दोनों हमारे पास मौजूद है। तो क्या हम इसमें से माइनस वन कॉमन ले सकते हैं इस वैल्यू में से? अगर मैं माइनस वन कॉमन लूंगी तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये माइनस एक्स था ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस वाई था ये माइनस वाई हो जाएगा। अब आप देखें आपके पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, आपके पास एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है। अगर आप एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो आपके पास आगे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और यहां क्या बचेगा, माइनस वन। तो आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन देखें, इसमें से टू भी कॉमन आ सकता है, ए भी कॉमन आ सकता है। टू ए अगर आप कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, 64 एम स्क्वेयर माइनस 121 एन स्क्वेयर। फर्दर कॉमन नहीं आ रहा, तो अब आपके पास देखें ये 64 भी किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 121 11 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला बन रहा है। तो अगर हम इसको करें 8m का स्क्वायर माइनस 11n का स्क्वायर, तो एक दफा प्लस में आ जाएगा 8m प्लस 11n, और एक दफा माइनस में आ जाएगा 8m माइनस 11n, और साथ जो 2a कॉमन लिया था वो एज इट इज आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x माइनस 243x क्यूब। देखें x तो कॉमन आ रहा है और 3 देखते हैं 4 5 6, 6 प्लस 3 9, इसका मतलब 9 जो है वो 3 का डिवाइडर है, तो इसका मतलब है ये 9 डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये 3 पे इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3x अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस 8 24 और 1, x एक बाहर चला गया तो 2 बच के, इसका मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। एक दफा आप इसको प्लस में लिख देंगे 1 प्लस 9x, और एक दफा आप इसको माइनस में लिख देंगे 1 माइनस 9x। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका लास्ट टाइप पढ़ते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चन होती है और उसको आप कैसे फैक्टराइज करते हैं। आपके पेज नंबर 100 पे लास्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, वो लास्ट टाइप ऑफ इक्वेशन दिया है फैक्टराइजेशन के लिए, कि आपके पास इसमें दो तरह की वैल्यू, चार वैल्यूज होंगी। एक जो है वो बंद करके आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वेयर या ए माइनस बी का होल स्क्वेयर होगा, और एक अकेला ही स्क्वेयर होगा। तो पहले आप इस साइड को सॉल्व करके क्या करेंगे, इस वाली टर्म को सॉल्व करके इसके फॉर्मूले को बंद करेंगे। उसके बाद जब बंद करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये अगेन आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने एक दफा a प्लस बी और एक दफा a माइनस बी में लिखना है। इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर में जो टाइप्स इस्तेमाल की थी वो इस्तेमाल करनी है, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे। यानी आपने इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करना है, और फिर जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा आ जाएगा तो ए प्लस बी भी करना है और एक ए माइनस बी भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको यह भी बताती हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखें। आपके पास है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन। अब देखें चार वैल्यूज में हमने जो एक टाइप की क्वेश्चन पढ़ी थी कि आपके पास अगर आप पेयर बना लें और कॉमन आ जाए, अगर आप देखें चले हम इसमें से तो पेयर बना लें y कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब हम ये पेयरिंग वाला नहीं कर सकते। और अगर आप माइनस सिक्स वाई और माइनस नाइन में से चले थ्री कॉमन ले रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये उस टाइप की इक्वेशन नहीं है। इसमें अगर आप देखें आपके पास एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और एक वेरिएबल है वाई, वाई की ये तीन वैल्यूज है और एक्स की ये अकेली है, तो हम एक्स की वैल्यू को अकेला लिख देंगे और माइनस की अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी प्लस, तो ये आपके पास वाई की वैल्यूज हमने अलहदा लिख दी। अब अगर आप गौर से देखें ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चेक करते हैं क्या ये बन रहा है, y का स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले का a, b क्या है आपके पास थ्री का स्क्वायर, तो इसका मतलब b थ्री है तो थ्री टू जै सिक्स वाई और थ्री का स्क्वायर नाइन, तो इसका मतलब है ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो आप इसको बंद करके लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप देखें ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस y प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने अभी क्वेश्चन नंबर फोर में देखा था कि अगर आपके पास एक वैल्यू का स्क्वायर है बीच में माइनस का साइन है और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है तो आप इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर होता लेकिन बीच में प्लस का साइन होता तो इस तरह का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम इसको किस फॉर्मूले से खोलेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो आप एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे, अभी हम ब्रैकेट को साथ ही रहने देते हैं ताकि अगर कोई चेंजेस आती हैं साइन में प्लस वाले में तो चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन जब आप माइनस लिखेंगे अब माइनस इसकी जगह आएगा और प्लस भी इसकी जगह आएगा, यानी आपने पहले ए की वैल्यू लिखनी है फिर प्लस डालना है फॉर्मूले का फिर बी की वैल्यू लिखनी है, इसी तरह पहले ए की वैल्यू लिखनी है फिर माइनस डालना है फिर बी की वैल्यू लिखनी है। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करें तो जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस वाई माइनस थ्री। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यानी ये अब आपकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन की। अब इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस वन। अगेन देखें ये एक्स अकेला कोएफिशिएंट है और ये सारी ए की वैल्यूज हैं, इसका मतलब एक्स को अलहदा लिखेंगे और यहां ए स्क्वायर हमें पॉजिटिव में चाहिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। अगेन आपके पास देखें ये फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस टू फॉर्मूले का ए वन प्लस वन का स्क्वायर, तो अगर आप देखें तो ये माइनस टू ए यही चीज बन रही है। अब फॉर्मूले को बंद कर देंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, इसको बंद करेंगे तो बन जाएगा ए माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि माइनस टू ए भी है तो इसका मतलब माइनस वन का स्क्वायर। एक दफा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफा इसको माइनस में लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट में इसलिए डाल रही हूं ताकि जो साइन की चेंजेस आए वो आप लोग से भूल ना जाए आप लोगों को, और के वो भी चेंजेस करनी है। प्लस ए माइनस वन जब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं एक्स है खाली, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे माइनस ए प्लस वन। तो ये आपके पास इस तरह ये इसका पार्ट टू भी सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट करते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन। ये फोर एक्स स्क्वायर अलहदा है और ये वाली वैल्यूज अलहदा है, तो हम इसको लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर भी किसका स्क्वायर होता है टू एक्स का स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे अंदर बचेगा वाई स्क्वायर
माइनस प्लस टू वाई और प्लस वन। अब देखते हैं क्या ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है। वाई का स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले का ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये यही चीज बन रही है। इसका मतलब इसको आप फॉर्मूले की साइड बंद कर देंगे, y प्लस वन का स्क्वायर। अब देखें आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन गई है, तो एक दफा आप इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। माइनस की वजह से अभी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं करती, अगले स्टेप में ओपन करेंगे। 2x प्लस वाई प्लस वन और 2x माइनस वाई माइनस वन। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। अब इसमें वैल्यूज जो है आपके पास 4 की जगह 1 2 3 4 5 है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें x की भी दो वैल्यूज मौजूद है, y की भी दो वैल्यूज मौजूद है और कांस्टेंट एक मौजूद है। इसका मतलब है इस कांस्टेंट को आपने ऐसे स्प्लिट करना है कि वो आपके पास x की वैल्यू का भी बी स्क्वायर बन जाए और y की वैल्यू का भी बी स्क्वायर बन जाए, ताकि आप इसको दोनों को a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर सकें। इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हैं, मैं आपको अभी फिलहाल एक तरीके से करवाती हूं। जब आप इसका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका सेकंड मेथड, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड भी है। लेकिन आप लोगों को पेपर में तो ये नहीं पता होगा कि आपने पहले 5.1 किया या 5.2, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। लेकिन अभी वो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपने अभी 5.2 नहीं किए। तो जब आप 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक दफा फिर उस मेथड से भी करवा दूंगी। अभी फिलहाल x की वैल्यूज को इकट्ठा करें, y की वैल्यूज को इकट्ठा करें और ये आपके पास आ गया प्लस 3। अब देखिए यहां अगर आप गौर से देखें तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, हमें यहां बी स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर यानी 4 की जरूरत है। और यहां माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, आपने यहां माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेने से पहले यहां आपके पास माइनस वन चाहिए, ताकि आपके पास जब कॉमन ले तो वो प्लस वन हो जाए। इसका मतलब है आपने ये जो 3 है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि ये 4 और 1 की फॉर्म में आ जाए। तो आपको पता है कि अगर प्लस 4 और माइनस 1 में 3 को स्प्लिट करें तो वो 3 के बराबर होता है, यानी 4 को अगर हम 4 माइनस 1 करें तो वो 3 के बराबर होता है। यानी आप 3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म से 3 में आ सकता है। यानी अब आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आए की बजाय राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आए, यानी आपने 3 को स्प्लिट किया है। पहले अगर आप 4 माइनस 1 करें तो 3 आता है ना, तो अगर आपने 3 को स्प्लिट करना है कि 3 किस तरह आया है, तो हम उसको 4 माइनस 1 3, वैसे तो 5 माइनस 2 भी 3 होता है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, 4 और माइनस 1 की। तो हम इसको 3 को स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, 4 और माइनस 1 में। अब ये प्लस 4 इसके साथ चला जाएगा और माइनस 1 इसके साथ, प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब आप देखें पहले आप इसमें से कॉमन लेंगे y को, ताकि आपके पास अंदर वाली सारी चीजें प्लस में हो जाए। तो ये सारी चीजें आपके पास किस में हो गई, प्लस में। अब देखें आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a b प्लस b का स्क्वायर, देखें ये क्या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के बराबर यही चीज बनी है, माइनस y का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर। तो आप इसको बंद कर सकते हैं, x माइनस 2 यानी a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपके पास देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले आपके पास ए स्क्वायर सिंगल वैल्यू था और बी जो था वो आपके पास एक जो है वो पूरी टर्म आ रही थी, लेकिन यहां देखें आपके पास ए भी पूरी टर्म है और बी भी पूरी टर्म है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एक दफा माइनस में लिखना है और एक दफा प्लस में। तो आप लिख सकते हैं एक्स माइनस टू प्लस वाई प्लस वन, अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे, और ए माइनस बी की फॉर्म में, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स माइनस टू प्लस वाई प्लस वन, प्लस था कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स माइनस टू माइनस वाई माइनस वन। अभी देखें सिंप्लीफाई हो रहा, आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि आपके पास कांस्टेंट टर्म दो हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का बड़ी वैल्यू का, एक्स प्लस वाई माइनस वन और एक्स माइनस वाई माइनस थ्री, माइनस टू माइनस वन, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगी गिवन एक्सप्रेशन की। अब इसका क्वेश्चन नंबर फाइव का फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसमें देखें अगेन चार आपके पास वैल्यूज आ गई, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फाइव के पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री की तरह है, एक्स की वैल्यूज ये हैं सारी, इसका मतलब ये इकट्ठी ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं, और इन तीनों में से कोई कॉमन भी नहीं आ रहा, तो आप लिख सकते हैं फाइव एक्स का स्क्वायर माइनस टू फाइव एक्स वन प्लस वन का स्क्वायर, तो ये आपके पास फॉर्मूला ओपन हो गया। और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये आप 6z स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको बंद करेंगे फॉर्मूले को, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 6z का होल स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखें पहले वाले में आपके पास जो बी स्क्वायर था वो आपके पास एक टर्म थी पूरी, और जो a था वो सिंगल टर्म थी, इसमें देखें a जो है वो टर्म है और b सिंगल टर्म है, तो आप अगेन उसको वही करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a, इसमें ब्रैकेट लगाने की और ब्रैकेट के बाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर माइनस के बाद सिंगल टर्म है, तो प्लस सिक्स एड और फाइव एक्स माइनस वन, क्योंकि फाइव एक्स माइनस वन एज इट इज आएगा, साइन का फर्क कहां पड़ेगा, यहां जहां सिक्स एड से पहले, पहले सिक्स एड से पहले प्लस आ गया, अब सिक्स एड से पहले माइनस आ जाएगा, तो ये आपकी रिक्वायर्ड आंसर है इस गिवन एक्सप्रेशन का। अब इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर फाइव का लास्ट पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर। अब अगर आप देखें जेड इधर भी है इधर भी है और ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये जेड तो फालतू नहीं है, फालतू इसमें क्या है, अगर आप टर्म देखें तो ये आपके पास दो जिसके अंदर वेरिएबल आ रहे हैं वो ये है, इसका मतलब ये आपके पास टू ए बी है, तो अगर आप अरेंज करें अपनी गिवन एक्सप्रेशन को तो क्या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस टू फॉर्मूले का एक्स, और b के आपके पास 2z का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 2z, तो ये 2 2 जा 4 xz बन रहा है और प्लस 4z स्क्वायर, और ये माइनस जो है ये इसका y का स्क्वायर आ गया। इसमें सिर्फ रीअरेंज करने की, आपने अपने एक्सप्रेशन को देखकर किस तरह अरेंज करना, देखें इसमें वेरिएबल यानी 2ab में आपके पास दो वैल्यूज आती हैं ab और bb, तो x z से हमें पता चल रहा है कि आपका फॉर्मूला x और z से मिलके बनेगा, इसलिए y स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। फॉर्मूला बंद करेंगे x माइनस टू जेड का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, एक दफा प्लस में y से पहले प्लस और y से ही पहले माइनस, तो आपका आंसर आ गया x माइनस टू जेड प्लस वाई और x माइनस टू जेड माइनस वाई, ये रिक्वायर्ड आंसर है आपके गिवन एक्सप्रेशन का।
स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको फैक्टराइजेशन 5.1 में जितनी टाइप्स की हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं उनकी फैक्टराइजेशन के जो भी तरीके हैं आपको समझ आए होंगे। होमवर्क मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि फिफ्थ चैप्टर में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को होमवर्क ना दूं, आप इस टाइम को अवेल करके जो आपको चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम है वो आप आहिस्ता आहिस्ता बीच में याद करें, रोज का एक थ्योरम करें, आधा करें, उसको लिख के प्रैक्टिस करें, और साथ साथ ये फैक्टराइजेशन की और फिफ्थ चैप्टर की साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन आसानी से समझ आएगी। वरना स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन इसलिए समझ नहीं आती कि वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।